हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। हम लोग देख रहे हैं हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास। ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास में हम लोग देख रहे हैं फिलहाल पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगेन ये हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज अदर भी चल रहे हैं जो आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल है, यूट्यूब पर हैं, आप इनको अपने यूपीएससी के बेटर प्रिपरेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ टेस्ट सीरीज भी हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं इफ यू वांट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो बेसिकली ड्रेनेज बेसिन से रिलेटेड डिस्कशन किया था, और इस ड्रेनेज बेसिन में मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर क्या कुछ पहले इवोल्यूशन एंड ऑल दैट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने जो रिवर सिस्टम है उसको स्किप किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको मैप मेकिंग में इंक्लूड करके रखा हुआ हूँ, तो आप लोग मैप मेकिंग में जाकर के देख लीजिएगा। वहां पर इंडस रिवर के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है, डिटेल डिस्कशन है, आपके प्रिलिम्स में भी काम आ जाएगा और आपके मेंस में भी इनकेस अगर क्वेश्चन आता है, हालांकि संभावना नहीं है लेकिन फिर भी अगर आता है तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं, अपने आगे के कंटिन्यूएशन में डिस्कस करेंगे वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में, वाटरशेड डेवलपमेंट या फिर आप बोल सकते हैं इसको कि वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। इस वाटर हार्वेस्टिंग में हम लोग देखेंगे पहले क्या कुछ चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले देखेंगे हम लोग वाटर, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके बारे में कुछ और भी चीजें देखेंगे। सबसे पहले वाटर के बारे में देखते हैं, तो वाटर के बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि ये बहुत ही ये एक नेचुरल रिसोर्स है जिसका कि एक आम आदमी अपने बचपन से लेकर के अपने लाइफ तक ये पूरा का पूरा यूज कर रहा होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है वाटर। इट इज वेरी क्रिटिकल टू आवर डेली लाइफ एज वेल एज इन आवर अदर एक्टिविटी। सो वाटर वी कैन यूज इट इन क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, हमें दोनों तरीके से यूज करनी होती है। जैसे अगर मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर का यूज करना है तो आपको क्वालिटी वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर वही सैनिटेशन या फिर किसी अदर चीजों में अगर यूज करना होता है तो हम इसको किसी भी तरीके से मतलब क्वांटिटी वाइज हमें देखनी होती है। वाटर के यूसेज में अगर बात करें तो देखिए वाटर का मैक्सिमम जो यूज होता है वो एग्रीकल्चर में यूज होती है। इस एग्रीकल्चर के बाद हमारा वाटर यूज होता है ज्यादा पावर प्लांट्स वगैरह में, पावर प्लांट को जनरेट करने में। इसके अलावा वाटर हमारी इंडस्ट्री वगैरह में यूज हो जा रही होती है, और इंडस्ट्री के बाद फिर जाकर के हम लोग हाउस होल्ड वाटर में यूज कर रहे होते हैं। तो वाटर इंडीड ऑक्युपाइज दैट प्लेस बिटवीन लैंड एंड स्काई, बिकॉज दिस इज बेसिकली वॉट वाटर क्या होती है। वाटर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा लैंड है और जो हमारी स्काई है, इन दोनों को कनेक्टिंग यूनिट है, इन दोनों को ये कनेक्ट कर रही होती है। कैसे कनेक्ट कर रही होती है, रेन ड्रॉपलेट के फॉर्मेट में स्काई से लैंड पे आती है और यहां से इवेपोरेट होकर के आसमान में वापस से पहुंच जा रही होती है। तो इट इज बेसिकली द कनेक्टिंग यूनिट एंड द सिग्निफिकेंस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, हर रोज क्योंकि पॉपुलेशन है उसको जरूरत पड़ेगी और वो हमेशा लगातार यूज करता जाएगा। यहां पर देखिए वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि देखिए वाटर जो है वो एनुअली 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर हमें जरूरत होती है। तो डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखिए कि हमारा जितना भी वाटर अवेलेबल है, जितना भी वाटर अवेलेबल है, इस अवेलेबल वाटर का नियरली 60% हम लोग इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। मतलब ये वाटर वो है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इस 60% वाटर में ही केवल और केवल 37% वाटर ऐसा है जिसको कि हम लोग सरफेस वाटर के रूप में ट्रीट करते हैं, और बाकी नियरली 25% वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर में आ जा रहा होता है। वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल परसेंटेज पॉइंट में रखिएगा ताकि आपको एक तो याद भी रहेगा और दूसरा इसका आप यूज भी कर सकेंगे। पर कैपिटल लेवल के बारे में बात करें तो देखिए पर कैपिटल लेवल जो पहले 1951 में हमारा नियर अबाउट 5000 क्यूबिक मीटर हुआ करता था वो 1/3 हो गया है और 1800 क्यूबिक मीटर हो गया है। सेम यही चीज हमारा यूएन भी हमें रिकमेंड करता है, बताता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी एज वेल एज वाटर का जो कंजम्पशन लेवल है काफी ज्यादा गिर गया है। इन सारे लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे क्या कुछ है। इसके अलावा देखिए केएल राव ने भी एक और डिस्कशन किया हुआ है, और यहां पर इन्होंने वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में बताया है कि कंट्री में जो वाटर अवेलेबल है टोटल क्वांटिटी में वो कुछ इतना अवेलेबल है। सोर्सेज वाटर की बात करें तो सीधी सी बात है, एक तो सरफेस वाटर हो जाता है, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर हो जाता है, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी बेसिक और ये इंट्रोडक्शन में आप कहीं पर भी लिख सकते हैं इसको। अब वाटर के बारे में अगर बात करें तो देखिए अबाउट 77% ऑफ द अवेलेबल वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, यानी कि ये यूज हो जा रहा है अपने एग्रीकल्चरल वर्क में।
इस एग्रीकल्चरल वर्क के बाद आपको पावर जनरेशन में पावर प्लांट में यूज हो जा रही होती है नियरली 13%, बची हुई इंडस्ट्री में यूज हो जाती है और उसके बची हुई हमारी हाउस होल्ड वर्क में डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज हो जा रही होती है। वाटर के अवेलेबिलिटी और वाटर के एक्सप्लॉयटेशन पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वाटर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है पंजाब में, लेकिन ये जो वाटर एक्सप्लॉयटेशन किया था वो बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए किया जा रहा होता है। हालांकि पंजाब में पंचनद है तो पंचनद मतलब फाइव रिवर्स, इस वजह से वहां पर हमें वाटर की दिक्कत नहीं होती है और हम लोग काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं। हालांकि वहां पर भी अब बातें हो रही है कि वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए, लेकिन खैर जो है सो है। सेकंड नंबर पे यूज होता है हरियाणा में, अगेन यहां पर भी एग्रीकल्चरल काम में यूज होती है, एग्रीकल्चरल वर्क में ये भी यूज हो रही होती है। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु में यूज होती है, तमिलनाडु में टैंक इरिगेशन होती है और यहां पर भी एग्रीकल्चर के लिए ही यूज हो रही होती है पूरा वाटर। नेक्स्ट राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इट डजंट मैटर कि वेदर वाटर इज अवेलेबल और नॉट, वाटर की अवेलेबिलिटी ग्राउंड में है कि नहीं, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन बहुत हाई लेवल पे किया जा रहा होता है। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जो वाटर स्केयर्स हैं, वाटर नहीं है, फिर भी वहां पर यूज किया जाता है, जैसे तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया या फिर आंध्र प्रदेश वगैरह स्टेट हो गए। तो ऐसे स्टेट में वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी कुछ खास नहीं है, फिर भी यहाँ पर कंजम्पशन या फिर एक्सप्लॉयटेशन आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा है। इस हाई लेवल कंजम्पशन के कारण से कई सारी प्रॉब्लम निकल के आ जाती है। बहुत आराम से आप समझ सकते हैं वाटर के कारण से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर वन, इलाका पूरा का पूरा स्केयर्स, वाटर स्केयर्स हो जाएगा। इनफैक्ट जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है, वो अब वाटर डिप्लीटेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। इनफैक्ट उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये अब वाटर डिप्लीट हो गया है, यहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है। तो इस कारण से हम लोग भी काफी ज्यादा उस दिशा में बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो हमें अपने वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है। पहले अगर प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गई है रिवर के रेजीम में, इसके अलावा प्रेसिपिटेशन में भी काफी ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो गई है ड्यूरिंग द फ्लड जबकि कंजर्व करना चाहिए, अनसाइंटिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हो गया है, पॉल्यूशन ऑफ रिवर हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है। तो ये सारे कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है जहां जिसके कारण से वाटर की जो यूटिलाइजेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है उस तरीके से, और वाटर का वेस्टेज बहुत ज्यादा हो गया है, वाटर को लेकर के झगड़ा हो जा रहा है, वाटर को लेकर पोल्यूशन हो जा रही है, एज पार्ट ऑफ रिजल्ट जो कॉमन मैन है उसको पूरा का पूरा भुगतना पड़ रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है वाटर की जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रिवर भी हाईली पॉल्यूटेड हो गए हैं। इस हाईली पॉल्यूटेड होने के कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम लोग यूरिया और अदर तरीके के केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, जिसके कारण से जो वाटर होती है वो पॉल्यूट हो जाती है और अल्टीमेटली ये घूम टहल करके नदियों में पहुंच जाती है और अल्टीमेटली नदियों का पानी भी पॉल्यूट कर देता है। सिमिलरली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, ये भी अपने कह लीजिए कि पानी को बिना इसको प्योर किए हुए छोड़ देता है, जिसके कारण से अगेन रिवर पॉल्यूट हो जा रही होती है। इनफैक्ट इस रिवर का पॉल्यूशन का इतना ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि जो भी रिवर इंडस्ट्री के संपर्क में आती हैं वहां पर एक तो वाटर गंदा हो जाता है, दूसरा वहां के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनफैक्ट वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह निकल के आ जाते हैं जो कि काफी हार्मफुल होते हैं। आप यमुना का एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिल्ली में काफी ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है वो। तो द पॉल्यूशन ऑफ रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स हैव एग्रेवेटेड दिस सिचुएशन। आगे अगर बात करें तो देखिए हमारे पास कुछ और भी चीजें निकल के आ जाती है, लाइक वाटर इज अ प्राइम नेचुरल रिसोर्स, इसके लिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक यूएन की रिपोर्ट आई हुई है, यूएन की रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, इसको जरा आप लोग ध्यान से रखिएगा और यू कैन यूज दिस रिपोर्ट एनीवेयर, जहां पर भी आपको लगता है वो यूज कर सकते हैं। लाइक यूएन की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2003 में और ये पब्लिश हुई थी थर्ड वाटर फोरम जो कि क्योटो में हुआ था, उस समिट में हुई थी। यहां पर बताया गया था कि जो वाटर रिजर्व है वो बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहा है, बहुत तेजी से खत्म हो रहा है और उसको एग्रीवेट और कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग उसको और तेज कर दे रहा है। तो हमें जो वाटर को यूज करना चाहिए वो काफी जुडिशियस तरीके से करना चाहिए। इनफैक्ट इस समिट में एक और चीज बताई गई कि जो वाटर पहले अवेलेबल हुआ करता था वो अब 1/3 अवेलेबल होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले 6,000 बिलियन क्यूबिक मीटर अगर अवेलेबल था पर कैपिटा, तो आज की डेट में केवल और केवल 2,000 अवेलेबल रहेगा, यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी 1/3 से खत्म हो गई है। द रिपोर्ट ऑल्सो रैंक 122 कंट्रीज, जिसमें कि इंडिया को
बॉटम ऑफ द लिस्ट में रखा गया है, जबकि आप देख सकते हैं इंडिया में कितना ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी है, बट स्टिल इट इज एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक विषय है। मैक्सिमम वाटर आपको पता है कि एग्रीकल्चर में यूज हो जा रही होती है, और एग्रीकल्चर में हम लोग यूज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि सीधी सी बात है वाटर की अवेलेबिलिटी है, मानसून डिपेंडेंट है, इरिगेशन हम लोग चाहे वो कैनाल से करें, चाहे हम लोग उसे कह लीजिए कि ग्राउंड वाटर से करें या फिर नदियों से करें, किसी भी तरीके से करें, वाटर को पॉल्यूट तो करना ही करना है। तो जिसके कारण से इकोनॉमिकल एज वेल एज जो इकोलॉजिकल कह लीजिए बैलेंस है वो बिगड़ जा रहा होता है। ग्रेटर पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं ये लगातार ड्रॉट सिचुएशन फेस करना शुरू कर दिए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्टेट्स, ऐसे रीजन भी हैं जो वाटर पॉपुलेटेड हैं, वाटर बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पर भी अब ड्रॉट सिचुएशन में देखने को मिल जा रही होती है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंताजनक विषय है। तो दीज रीजन बेसिकली फेस टू टाइप ऑफ क्रिटिकल इश्यूज। कौन कौन से दो क्रिटिकल इश्यूज हैं? एक तो लगातार ड्रॉट सिचुएशन आती जा रही है जिसके कारण से वाटर टेबल अब जो ग्राउंड का है वो नीचे गिर गया है। इस नीचे गिरने के कारण से जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है एक तो वो खराब हो गई है, और दूसरा क्रॉप जो है वो फेल होना शुरू हो गई है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन वगैरह हो गई, वो अब फेल होना शुरू हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंताजनक विषय है। हैवी एंड इंटेंस रेनफॉल जो होता है तो अल्टीमेटली वो घूम टहल करके चला जाता है नदियों में, और नदियों से अल्टीमेटली वो सीज वगैरह में पहुंच जा रहा होता है, जबकि इसे कंजर्व करना चाहिए, हम लोग कंजर्व नहीं करते हैं। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट एक तो सॉइल इरोजन हो जाती है, गली सेडिमेंटेशन इस तरह से करते हुए अल्टीमेटली वो निकल जा रहा होता है वाटर, जबकि इसे हमें कंजर्व करना चाहिए। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही बात करेंगे कि हाउ टू कंजर्व द वाटर, एंड दैट इज द टेक्निक इज बीइंग कॉल्ड एज वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। ये सारी की सारी बातों का हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज है। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये चैप्टर कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस चैप्टर हैज वेरी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के तौर पे आएगा, और आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे उन लोगों ने देखा भी होगा कि जो क्वेश्चन इनफैक्ट मैं भी दे रहा हूं और जो यूपीएससी में भी आते हैं वो काफी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस पे आ रहे होते हैं। तो आपको ये जो जितनी भी चीजें पढ़ रहे होते हैं यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, बट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूटिलाइज दिस नोट एज अ प्रैक्टिकल थिंग। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको ये पूरे के पूरे नोट्स को यूज करना है, कैसे आपको क्वेश्चन में देना है। तो इसी वजह से थोड़ी सी कहानी बना करके मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिकलिटी जो है वो ज्यादा समझ पाए। चलिए खैर वापस आते हैं अपने वाटरशेड पे। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स कि आखिर में वाटरशेड क्या चीज होती है। देखिए वाटरशेड एक तरीके की मैनेजमेंट टेक्निक होती है, दिस इज बेसिकली अ मैनेजमेंट टेक्निक। इस मैनेजमेंट टेक्निक में होता क्या है उसको जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इरिगेशन टेक्निक क्या होती है। इरिगेशन टेक्निक के लिए बात करें तो हमें क्या है, वाटर की जरूरत होती है। वाटर के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टेक्निक्स है, जैसे एक होती है जो ट्यूबवेल होती है, ट्यूबवेल, दूसरी होती है जो कैनाल होती है, तीसरी होती है जो टैंक इरिगेशन होती है, और लास्ट में हमारी कह लीजिए कि रिवर्स एंड ऑल दैट जितनी भी चीजें होती हैं ये सब आ जा रही होती हैं। ट्यूबवेल से हम लोग बेसिकली ग्राउंड वाटर को टुल्लू पंप के सहारे या किसी पंप के सहारे हम लोग अल्टीमेटली इसको वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं, और अल्टीमेटली जो हमारे फील्ड है वहां पर हम लोग इरिगेट कर देते हैं। कैनाल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो रिवर वगैरह है उसके वाटर को डाइवर्ट करके हम लोग खेतों में लेते आते हैं, फील्ड में लेते आते हैं, और उसको इरिगेट कर दे रहे होते हैं। सिमिलरली टैंक में क्या होता है, चूंकि ये पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती है जहां पर रॉक स्ट्रेटा बहुत ही ऊपर होती है, तो वाटर क्या होता है नीचे परकुलेट करके जाकर के जमा हो जाता है, और अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं इसको ड्रिल करके फिर पानी को निकाल करके फिर इरिगेट कर ले रहे होते हैं। अगर इन सारे इरिगेशन टेक्निक को देखेंगे आप तो बेसिकली क्या हुआ है, एक लिमिटेड वाटर है, और ये लिमिटेड वाटर अब बहुत ही ज्यादा वेस्टेज करके यूज कर लिया जाता है फील्ड पे, और अल्टीमेटली ये वापस जा करके मिल जा रहा है कहां पे, रिवर्स वगैरह में मिल जा रहा है। तो एक पॉल्यूटेड वाटर वहीं पर चला जा रहा है वापस से जहां से हम लोग उसे निकाल रहे हैं। तो जहां से निकाल रहे हैं एक समय ऐसा आएगा कि साइकिल के बाद अल्टीमेटली जो वाटर की अवेलेबिलिटी होगी रिवर में वो हमें पूरा का पूरा पॉल्यूटेड वाटर ही सिर्फ मिलेगा, और पॉल्यूटेड वाटर होने के कारण से आपको पता है कि हमारी जो सॉइल होती है वो सॉइल एल्कलाइन हो जाती है, और एज पार्ट ऑफ रिजल्ट जो हमारी अल्टीमेटली जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, और हमें पंजाब टाइप की कंडीशन देखने को मिल सकती है जहां पर पूरा का पूरा एरा जो है वो अब धीरे 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 खत्म हो गया है,
और अब राजस्थान वाली कंडीशन जो डेजर्टिफिकेशन वाली कंडीशन है वो पॉसिबल है, आ सकती है, यानी हमें वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है, वी नीड टू कंजर्व द वाटर, और इस तरीके से हम लोग पोल्यूटेड वाटर की बजाय फ्रेश वाटर भी पा सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी कह सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो आपको जानने की जरूरत थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी क्या खास बात है, मतलब क्या करना चाहिए हमें। तो एज पार्ट ऑफ रिजल्ट हमें जो करना चाहिए वो करना चाहिए वाटरशेड। वाटरशेड क्या होता है? वाटरशेड एक तरीके का एरिया होता है जहां पर हम लोग इस तरीके से एक डगिंग कर देते हैं। डग करने का मतलब कि मान लेते हैं कि हमारा लैंड है, लैंड एरिया में हम लोग यहां पर थोड़ा सा डग कर देते हैं और एक गड्ढा बना लेते हैं। गड्ढा मतलब छोटा नहीं होता है, काफी बड़ा होता है, और इसमें हम लोग पानी को रिस्टोर कर लेते हैं और एक तरीके से पॉन्ड बना देते हैं। ये पानी जो रिस्टोर हुआ है बेसिकली वो आया है रेन के थ्रू। तो रेन वाटर के थ्रू ये पानी अच्छा खासा रिस्टोर कर लिया गया है। क्योंकि ये अगर ओपन रखा जाए तो ये कंटेमिनेट होने का बहुत ज्यादा डर होता है, इसलिए हम इसकी लाइनिंग कर देते हैं। लाइनिंग करने का मतलब हो गया इसको सीमेंटेड कर दिया जाता है और ये पूरी तरीके से अब ये कंजर्व हो जाता है। अब ये पानी नीचे रिस्क करके पहुंचेगा भी नहीं, मतलब ये परकुलेट नीचे नहीं कर सकता है बिकॉज हम लोगों ने यहां पर लाइनिंग कर दी है। तो इस तरीके से वाटर की अवेलेबिलिटी को हम लोग बढ़ा लेते हैं, पहली चीज। और दूसरा, रेन वाटर को भी हम लोग कंजर्व कर लेते हैं, रेन वाटर को भी हम लोग इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो दीज आर द एरियाज विच आर इकोनॉमिकली पुअर। ये कौन से एरियाज हैं? बेसिकली जो वाटर स्केयर्स रीजन है। हालांकि ये वाटर स्केयर्स रीजन अब तो लगातार फैलते आ रहे हैं, लेकिन वाटर स्केयर्स रीजन, यहाँ वाले वाटर स्केयर्स रीजन से मतलब ये है जैसे बुंदेलखंड का एरिया हो गया यूपी में, या मराठवाड़ा का रीजन हो गया महाराष्ट्र में, विदर्भ का रीजन हो गया महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे। तो ये कुछ इलाके हैं जहां पर हमें वाटर कंजर्वेशन वाटरशेड की मदद से करने होंगे। तो दीज आर द सम ऑफ द एरियाज विच आर बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट विशियस साइकिल ऑफ अंडर डेवलपमेंट। दीज एरियाज रिक्वायर अप्रेजल ऑफ लैंड सॉइल रिसोर्स बेस्ड ऑन माइक्रो वाटरशेड्स। द माइक्रो वाटरशेड टू ड्रॉप लॉन एंड फॉर इन सिटू वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन थ्रू कंजक्टिव यूज एंड दस मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट मोड इन द हार्मोनाइज मैनर। तो इस तरीके से आपका क्या क्या फायदा हुआ? एक तो वाटर को आपने कंजर्व कर दिया, नंबर वन। नंबर टू, आपने क्या कर दिया यहाँ पर? स्किल डेवलप कर दिया, वाटर कंजर्वेशन की स्किल डेवलप कर दिया। नंबर थ्री, वाटर कंजर्वेशन एक एनवायरमेंटल कॉज भी है, तो एनवायरमेंट भी आपने अच्छा खासा जो है प्रोटेक्ट कर लिया। नंबर फोर, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर लिया, क्योंकि सीधे सीधे जो है आप एक पूरा गड्ढा बनाने के लिए मनरेगा के थ्रू एक एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। नंबर सिक्स, और क्या कर सकते हैं? बिहेवियरल चेंज आपने कर लिया। भाई अगर इस तरीके का आप अगर वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे तो लोग पूछेंगे कि भाई क्यों बना रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आप बताएंगे देखो भाई वाटर की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, इस तरह की कंडीशन आ रही है, यानी हमें पानी को बहुत ही सेफ तरीके से और पानी को बहुत ही जुडिशियस तरीके से यूज करना होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये कुछ बिहेवियरल चेंज भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से हम लोग वाटर को यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। इट एम्स एट कंटेनिंग द डिटरेशन ऑफ लैंड एंड अप्रोचेस टू डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड जस्ट टू एग्रीकल्चरल लैंड बट कवर्स द वाटरशेड एरिया कवरिंग फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट टू द पॉइंट आउटलेट एंड ऑल दैट। ये सब चीजें आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? इसको मैं इरेज कर देता हूं तब आपको दिखेगा। ऑप्टिमल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन अकर ओनली विद द मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड इफिशियंट यूज ऑफ कंट्रीज वाटर रिसोर्स टू मैच द ग्रोइंग डिमांड ऑन दिस प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू अचीव एक्सेलरेटेड एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप इसको डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स की इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरशेड क्या है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि वाटर जो होती है वो केवल और केवल एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी से भी रिलेटेड है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई भी हिस्ट्री में सिविलाइजेशन देखेंगे तो बेसिकली वो किसी ना किसी रिवर के किनारे पर ही आई है, चाहे वो इंडो इंडस की हो, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या मेसोपोटामिया की हो जो वहां पे इजिप्शियन का सिविलाइजेशन थी, या कोई भी सिविलाइजेशन हो, वो एक्चुअली क्या है, रिवर के ही साइड बाई साइड हो रही होती है। इनफैक्ट सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी में एक और देखा था, जब रिवर जा रही थी तो इसके चारों ओर हमारी लो क्लास ड्वेलिंग्स बन जा रही थी, बन रही थी कि नहीं बन रही थी, लो क्लास ड्वेलिंग बन रही थी, इसके साथ में फिर मिडिल क्लास ड्वेलिंग, और अल्टीमेटली इस तरीके से एक हाई क्लास ड्वेलिंग दूसरे साइड में चली जा रही थी। तो हम लोगों ने यह सेटलमेंट ज्योग्राफी में डिस्कस किया था कि यहाँ से रिवर बह रही है और रिवर के कारण से हमारा ये सिस्टम हो गया था, यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह भी लग जा रही थी क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बहुत ही चीप हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक तो इकोनॉमिक्स है ही, साथ में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री
ये होना शुरू हो जाएगा। और इंडिया अगेन जो होता है, इस तरह की चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। एक स्टडी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, पढ़ लेते हैं क्या स्टडी है। तो देखिए, अ स्टडी बाय द वर्ल्ड बैंक इंडिकेट दैट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया, जो कि अगर 5000 क्यूबिक मीटर पर ईयर हुआ करती थी, वो अब 2000 पे चली आई है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल जो 110 सेंटीमीटर हुआ करता था, वो भी अब घट गया है। अबाउट 67% ऑफ वाटर रिसोर्स आर रिपोर्टेड टू बी अवेलेबल इन इंडो गंगा एलुवियल बेसिन, 33% ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री ओनली। और बाकी के जो कह सकते हैं कि जो 67% ऑफ द एरिया है वो वाटर स्कियर्स हो गया है, उसमें से भी जो 33% है वो हार्ड रॉक रीजन है, मतलब जहां पर पानी रुकेगा ही नहीं, दैट विल बी पार्ट ऑफ ड्रॉट प्रोन रीजन, और ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हो जाएगी जो हमारी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में देखने को मिल जा रही होती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि वाटर को कंजर्व करना हमारी आज की नीड है, जरूरत है, अदरवाइज फ्यूचर हमारे लिए बहुत ही भयावह सिचुएशन लेकर के आएगा। देयर आर सम चैलेंजेस। अब ये चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहले ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगा। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगा तो जो हमारी इरिगेशन की एक सोर्स है ट्यूबवेल वाली, वो वेस्ट हो जाएगी। और अगर ट्यूबवेल की कंडीशन अगर खराब होती है तो हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे स्टेट है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे ईस्टर्न राजस्थान हो, चाहे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो, ये जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल के रीजन है, ये एक्चुअली फेल कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम इरिगेशन की जा रही होती है वो ट्यूबवेल के सहारे ही की जा रही होती है। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा प्रोवाइड करता है पहली चीज, दूसरी चीज एक्सपोर्ट में काफी मदद कर रहा होता है। इनफैक्ट वी आर फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फॉर द एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और जितने भी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर एग्रीकल्चर फेल करेगा वो भी फेल हो जाएंगी, यानी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी फेल कर जाएगी, यानी ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रियल सेटअप है ये लिंक है। एक फेल किया, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन फेल किया, तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। नंबर टू, हाउस होल्ड के लिए भी जो पानी की जरूरत होती है वो अगेन ये भी ट्यूबवेल के सहारे ही निकाल रहे होते हैं, यहां पर भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दूसरी जो है वाटर क्वालिटी डिटेरियोरेशन। जैसे पहले क्या होता था, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो वाटर की पीपीएम हुआ करती थी, मतलब जो इसके अंदर में डिजॉल्व सॉल्यूट हुआ करते थे, डिजॉल्व ऑक्साइड डीओ, वो पहले रिलेटिवली कम होती थी। आज की डेट में कंटेमिनेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है, और ये कंटेमिनेशन बढ़ने के कारण से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आरओ फिटिंग करने वाला जो मान लीजिए कोई भी आता है, मैकेनिक वगैरह आता है, तो जब भी वो आरओ वाटर को चेक करता है तो कहता है कि वाटर की हार्डनेस कितनी है, तो बेसिकली वो हार्डनेस चेक करता है। बहुत ज्यादा हार्ड वाटर भी आप नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, आपको बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बेसिकली डिजॉल्व ऑक्साइड कंटेमिनेशन को जन्म दे देता है, और ये कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। इनफैक्ट इन द पास्ट हिस्ट्री आप देखे होंगे, आरओ वाटर तो कुछ होता ही नहीं था, जनता सीधे हैंडपंप से पानी निकालती थी और पी लेती थी, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्साइड उतने ज्यादा नहीं हुए करते थे। लेकिन आज की डेट में डिजॉल्व ऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई है, बिना आप आरओ वाटर से या बिना उस प्योरिफिकेशन वाटर के आप नहीं पी सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। लो वाटर यूज इफिशियंसी, हमारी जो वाटर की इफिशियंसी है बहुत ज्यादा लो है। आप कह सकते हैं कि भाई जहां पर पानी की जरूरत 5 लीटर की होती है, वहां पे 15 लीटर यूज हो रहा होता है। इनफैक्ट घरों वगैरह में आपने देखा होगा, घरों में सफाई की जाती है तो पानी की वेस्टेज आप देख ही सकते हैं, घर धुलने पे लग गए हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, एंड ऑल दैट आप जानते हैं कितना ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वी आर लिविंग इन इंडिया और सब लोग के घर में सफाई होती है, तो आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंसिव न्यू वाटर रिसोर्स, तो नीचे जितने भी हमारे न्यू वाटर रिसोर्स निकल के आ रहे हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव निकल के आ रहे हैं। एक्सपेंसिव का मतलब कि कंस्ट्रक्शन में उसके काफी कॉस्ट आ जा रही है, और उस डेवलपमेंट के दौरान में हमारी जो वाटर रिसोर्स है वो महंगी होती जा रही है, रिसोर्स डिग्रेड करते आ रहे हैं, वाटर जो है वो डिग्रेड कर गया है बिकॉज ऑफ द हाई पोल्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ न्यू वाटर रिसोर्स हमें करना पड़ रहा है, तो फिर रिफॉर्म्ड प्राइस इंसेंटिव्स, ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग आ जाती है, ये भी एक तरीके का वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, रेन वाटर तो आपको पता ही है रेन वाटर क्या होती है, और हार्वेस्टिंग का मतलब आपको पता है कि किसी भी चीज का फार्मिंग करना, उसको उगाना, उसको डेवलप करना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सीधा साधा मतलब आप बोल सकते हैं कि रेन वाटर कंजर्वेशन।
इस रेन वाटर कंजर्वेशन की आप जरा टेक्निक सुनिएगा, क्या क्या तरीके की जाते हैं। हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हर घर में टॉप पे आपको एक एरिया मिलता है, हर घर में इस तरीके से आपको एक ऊपर के साइड में एक टैंक मिली है और जिसमें वाटर कंजर्वेशन टेक्निक यूज किया गया है। इस वाटर कंजर्वेशन को नीचे एक पाइप के सहारे जोड़ करके वाटर यूज करने में देखने को मिला था, क्योंकि वहां पर भी अगेन सरस्वती रिवर हालांकि उस समय हुआ करती थी, बट स्टिल दे वर ऑल्सो फेसिंग द सेम काइंड ऑफ वाटर स्केर्सिटी सिचुएशन एंड दैट इज वाई दे वुड हैव डेवलप्ड सच काइंड ऑफ हार्वेस्टिंग टेक्निक। इसी तरीके से हम लोग अपने कंडीशन में भी, मतलब आज की डेट में भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। जैसे एक तो हो गया जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रूफ टॉप हम लोग टैंक बना लेते हैं। दूसरी, अगर मान लीजिए तमिलनाडु के एरिया में अगर कोई होगा तो आपको पता होगा कि आपका जो भी घर बनता है उस घर का पहले एक मैप बनाना होता है, नक्शा, और इस नक्शे को पास कराना होता है जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहां की, या फिर कह सकते हैं जो वहां का डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास आपको भेजना पड़ता है पास होने के लिए। तमिलनाडु में एक नियम है, तमिलनाडु और इनफैक्ट आंध्र प्रदेश में भी एक नियम है कि जब तक आपके घर में वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक अगर नहीं होगी तो नक्शा पास नहीं किया जाएगा। तो साउथ के एरियाज में विच दीज स्टेट आर बेसिकली फेसिंग द वाटर शॉर्टेज एंड दैट इज वाई दे हैव मेड सच काइंड ऑफ लॉ कि अगर आपने वाटर टेक्निक, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक नहीं बनाई है तो इस तरह की सिचुएशन आपको झेलनी पड़ सकती है। ये तो हुआ जो हाउस होल्ड के लिए है, हाउस होल्ड को इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीजों के लिए क्या करेंगे, बाकी चीजों के लिए हम लोग बनाते हैं वाटर शेड, जो कि ऑलरेडी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वाटर शेड हम लोग बना रहे होते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बेसिकली बायोलॉजिकली प्योर, सॉफ्ट इन नेचर एंड फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। रेन वाटर आपको पता ही है कि दिस इज सेफ वाटर होता है, सेफ वाटर, या कह सकते हैं कि दिस इज प्योर वाटर। थोड़ी मोड़ी कंटेमिनेशन तो होती ही है क्योंकि सूट पार्टिकल्स और एरोसॉल पार्टिकल्स एटमोसफियर में अवेलेबल है, बट उतना कुछ खास नहीं होती है, आप यूज कर सकते हैं इसको। दिस इज अ बेसिकली इफेक्टिव टेक्निक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर बाई गाइडिंग द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ टॉप टू स्टोरेज टैंक और अंडरलाइंग पंप्स फॉर फ्यूचर यूसेज। द ग्राउंड वाटर रिचार्ज ऑन द अदर हैंड इज अंडरटेकन बाई गाइडिंग वाटर थ्रू पाइप्स टू वेल। अब जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक वाटर टेक्निक बना ली और टैंक बना लिया, इस टैंक को आप बोरवेल करके नीचे पहुंचा देते हैं और नीचे घर के, क्योंकि आपको यहां पर क्या है, मान लीजिए अगर आप टैंक बनाते भी हैं तो एक एरिया आपका ऑक्यूपाई कर लेता है। तो जनरली आजकल टेक्निक ये निकल के आ रही है कि लोग घरों के नीचे जैसे बेसमेंट बनती है वैसे ही टैंक बना ले रहे हैं और इस टैंक में वाटर को यूज कर ले रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी इस तरीके से हो जा रहा है फॉर द लेटर यूज व्हेनेवर दे नीड, जब भी जरूरत आएगी तो ये कर लेंगे। तमिलनाडु इज द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चरली कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट। जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप इस तरीके के प्रोविजन को यूज नहीं करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। क्लियर हो गया? द कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कैचमेंट सरफेस इज रेफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटी एम्ड एट हार्वेस्टिंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एंड अदर टेक्निक एम्ड एट कंजर्वेशन एंड एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड वाटर एंडाउमेंट। इन जनरल वाटर हार्वेस्टिंग इज द एक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। टॉप कलेक्टेड वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर डायरेक्ट यूज और कैन बी रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। तो ये तो ऑलरेडी आप लोग समझ ही गए हैं क्या चीज है। अब आगे आता है कि इसके क्या मेरिट्स हैं, खास बात क्या है। तो देखिए, मेरिट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले वाटर में, सॉइल में मॉइस्चर आ जाएगा। सॉइल मॉइस्चर आएगा तो अपने आप एनपीके का जो भी कॉम्बिनेशन चाहिए होता है या न्यूट्रिएंट बैलेंस जो चाहिए होता है वो नेचुरल तरीके से आ जा रही होती है। ग्राउंड वाटर लेवल भी काफी ऊपर हो जाएगा तो जिससे कि जो बैक्टीरिया जो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं वो वापस से एरोबिक तरीके से अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर इंप्रूव कर जाएगी। ड्रॉट प्रोन रीजन जितने भी ड्रॉट फेस कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्लडिंग के कारण से, बाढ़ के कारण से जो लोग भी परेशान होते हैं वो एक्चुअली बाढ़ के लिए फिर लालायित रहेंगे कि बाढ़ आए और हम अपना वाटर कंजर्वेशन यूज कर लें, मतलब कि हमारी जो भी वाटर शेड है उसको हम लोग भर लें। सेव एनर्जी लिफ्ट टू वाटर। अगेन जो होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र इन तीनों का मिल करके एक बेसिकली प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो पोलावरम डैम है, पोलावरम कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। एक्चुअली क्या है, ये दोनों प्रोजेक्ट सिंगल प्रोजेक्ट के ही अलग अलग कंपोनेंट है। कालेश्वरम
कालेश्वरम में बेसिकली हो क्या रहा है, कालेश्वरम में पानी को ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है और अल्टीमेटली डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पब्लिश करके रखी हुई है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। हालांकि देखिए उतना जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली टेक्निक्स है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है उस वीडियो में। तो इस तरीके से आप क्या है कि इसको लिफ्ट करने के लिए कोई ना कोई आपने मोटर लगाया होगा। मोटर लगाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होंगे। तो बेसिकली क्या है, उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी रोड खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग, वो सब बच जाएगा। सॉइल इरोजन जो होती है वो बच जाएगी, वाटर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कई सारी चीजें हम लोग आराम से कर सकते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली देखिए दो तरीके की प्रैक्टिस होती है। एक होता है जो रेन वाटर को आप स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर यूज के लिए, जिसमें टैंक हो जाती है, पॉन्ड हो जाती है या फिर डैम वियर वगैरह जितनी भी चीजें हो जा रही होती हैं। दूसरा तरीका होता है कि इस रेन वाटर के थ्रू आप अपना ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर लीजिए। इस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज किए जाते हैं जो कि आज से ही नहीं पहले से हिस्ट्री से यूज की जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बावड़ीज वगैरह राजस्थान में काफी ज्यादा हुआ करती थी। इनफैक्ट दिल्ली में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बावड़ीज वगैरह, जैसे आजकल घूमने के लिए जाते हैं लोग, अग्रसेन की बावड़ी हो गई, ये सब जो होता है कुछ एरियाज है जहां पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता था। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी टेक्निक्स है, वो सारे टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, जरा फटाफट वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला होता है पिट रिचार्ज। पिट का मतलब होता है गड्ढा। अब गड्ढे का मतलब क्या होता है, सपोज ये हमारा एक लैंड है, यहाँ आपने गड्ढा किया और दूसरा लैंड आपने रख लिया, पानी आएगा, पानी रिचार्ज होकर के इस इलाके में चला जाएगा, पोरस इलाका है नीचे चला जाएगा ग्राउंड वाटर और इन दोनों इलाके में भी चला जाएगा। मतलब कि केवल और केवल एक पिट बनाने के कारण से आपका जो ग्राउंड वाटर है वो ना सिर्फ केवल इस पिट में इकट्ठा हुआ बल्कि इस वाले ग्राउंड लेवल पे और इस वाले ग्राउंड लेवल पे भी जाकर के वाटर जो है वो रिचार्ज हो गया। तो दीज आर कंस्ट्रक्टेड फॉर व्हाट, रिचार्जिंग द शैलो एक्यूफर्स। एक्यूफर इसी को बोलते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो पोरस होते हैं, नॉन पोरस होते हैं, दो तरीके के एक्यूफर होते हैं, जानने की जरूरत नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग पढ़ रहे होते हैं। दूसरा होता है ट्रेंचेस। ट्रेंच का मतलब आपको पता ही होगा, आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़े ही होंगे ट्रेंच, जहां पर एक बॉडी ऐसे रहती है, दूसरी बॉडी ऐसे नीचे चली जाती है, बीनीथ चली जाती है और यहां पर एक ट्रेंच फॉर्मेशन बन जा रही होती है। सेम वही ट्रेंच यहां पर भी है कि इसी तरीके का एक ट्रेंच बना दिया जाता है, कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, जो कि थोड़े से मतलब इतना तो डेप्थ नहीं होती है, शैलो डेप्थ होती है और अगेन यहां पर भी हम लोग ग्राउंड वाटर को ही रिचार्ज कर ले रहे होते हैं। एक और डगवेल भी होती है। डगवेल का मतलब एक कुआं खोद दिया जाता है और वहां पर जो होती है सेफ्टी टैंक वगैरह, मतलब उसकी लाइनिंग वगैरह करके उसमें पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसी टेक्निक को यूज किया जाता है जो रूफ टॉप पर भी जो भी टैंक लगा करके यूज किया जाता है। नेक्स्ट होती है हैंडपम्प। हैंडपम्प में भी यूज फॉर रिचार्जिंग द शैलो वाटर एक्वीफर एंड इफ द वाटर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लिमिटेड। दूसरी होती है रिचार्ज वेल। तो अगेन जो होती है वेल को आपने जो बनाया हुआ है उसको रिचार्ज कर ले रहा है। तो देखिए कुल मिलाकर के चीजें एक ही है बट अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग नाम जस्ट ऐसे ही अब बुक है तो दिया ही जाएगा। फिर है रिचार्ज शाफ्ट। फॉर रिचार्जिंग द शैलो एक्वीफर विच आर लोकेटेड बिलो क्ले सरफेस रिचार्ज शाफ्ट आर यूज। तो इस तरीके से रिचार्ज शाफ्ट का यूज वहां कर लिया जाता है जहां पे क्ले होती है। सिमिलरली लैटरल शाफ्ट होते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं, जो टेक्निक्स वगैरह है मेन जो जिस्ट था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे बात करें तो गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी, आखिर में गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टुडे लेक्चर। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड टू बी 1900 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। इट इज प्रेडिक्टेड दैट 2025 तक लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया विल ज्वाइन द कंट्रीज जो काफी ज्यादा वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो इंडिया में भी यही कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे तरीके किए गए हैं, कई सारी चीजें की गई हैं जो कि हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले किया गया है कि सिंस सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रूरल सप्लाई, 25% आउट ऑफ 20% ऑफ एलोकेटेड अंडर जो एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम हैज बीन ईयरमार्क्ड फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम्स। हमारे पास कई सारी इरिगेशन टेक्निक चल रही है, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें कि हम लोग अब वाटर हार्वेस्टिंग को ही फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट वाटर शेड को लेकर के गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस्ड है, मनरेगा के अंतर्गत भी वाटर शेड को डाल दिया गया है जिससे कि जो भी वाटर शेड डेवलपमेंट जिस भी इलाके में करना है वहां पर मनरेगा के मजदूरों को डाइवर्ट किया जा सकता है और वहां पर एक
कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की जा सकती है. सिमिलरली 25% ऑफ एलोकेशन अंडर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हैज आल्सो बीन ईयरमार्क्ड. एमपीज, जो एमपी लोगों को एमपी लेड फंड मिलता है, मतलब कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मिलता है 5 करोड़ का, वो कहा गया है कि भाई अब आप वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स में यूज करिए. इसके अलावा कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं कई सारे स्टेट के द्वारा, जहां पर वाटर कंजर्वेशन को फोकस किया गया है. फर्दर प्रिपरेशन ऑफ यूजर फ्रेंडली एटलस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यूज किए गए हैं, बनाए गए हैं, जहां से वाटर की अवेलेबिलिटी और वाटर की स्केयरसिटी को दिखाया जाएगा और लोगों को अवेयर किया जाएगा. बाय अडॉप्टिंग दीज वाटरशेड एज यूनिट, डिफरेंट लोकेशन स्पेसिफिक मेजर्स आर अडॉप्टेड एंड एग्जीक्यूटेड केयरफुली इन ईच ऑफ द टाइपो सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी. तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली, हम लोग क्या, गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा फोकस्ड है वाटर टेक्निक के लिए, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक के लिए, और गवर्नमेंट ये सारे एक्शंस लेकर के रखी हुई है. इनफैक्ट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल के लिए इरिगेशन टेक्निक्स भी कई सारे लेकर के आई हुई है. और इस एग्रीकल्चरल टेक्निक में इस समय जो ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो क्या रहा है, माइक्रो इरिगेशन पे. इस माइक्रो इरिगेशन में जैसे ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर वगैरह आ जा रही होती है. गवर्नमेंट इसके लिए अब सब्सिडाइज्ड फॉर्मेट में लोन दे रही है और जो भी इक्विपमेंट, जो भी टूल चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे कि वाटर जुडिशियस तरीके से एक तो यूज किया जाएगा और दूसरा वाटर की कंजर्वेशन की जा सकेगी बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स. और साथ में जो होता है पॉल्यूशन भी कम से कम होगा. तो ये कुछ टेक्निक यूज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स, व्हाट शुड बी आवर कंक्लूजन, क्या करना चाहिए. तो इन ब्रीफ we can conclude that watershed development approach is a very intensive one and it is appear to be infinitely expensive in a relative sense over the seed and fertilizer approach, but economic evaluation conducted by jo hamari central soil and water conservation research hai jo Dehradun mein hai wo kehti hai ki dekhiye aisa kuch nahi hai, hame jo hota hai aur focused approach mein kaam karna hoga, water jo water management hai wo karni hogi. और ये वाटर मैनेजमेंट के लिए केवल और केवल वाटर पे ही ध्यान नहीं देना होगा, हमें कुछ और भी चीजों पे ध्यान देना होगा. जैसे हमें हिल और फॉरेस्ट बेस्ड एग्रीकल्चर पे ध्यान देने के लिए हमें और ज्यादा फॉरेस्टेशन करनी होगी, सोशल फॉरेस्ट्री करनी होगी, अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे, और वाटर जो हार्वेस्टिंग टेक्निक्स वगैरह यूज की जा रही है डेवलपमेंट के लिए वो तो करना ही करना है. There are number of successful water management experiences, जैसे सुखो मंजरी का हो गया, जो कि जहां पर जो होता है पानी इकट्ठा करने के लिए किया गया था महाराष्ट्र में, where the basic problem of food and fuel wood short requirement of poor rural communities have been largely solved by water harvesting. इसी तरीके से जैसे महाराष्ट्र में तो देखा ही हम लोगों ने, नागपुर में भी सेम काइंड ऑफ वाटर कंजर्वेशन हम लोगों को देखने को मिला है. इनफैक्ट जो होती है ये न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा फोकस्ड रूप में आया हुआ था. सिमिलरली मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, राजस्थान का एरिया हो गया, यहाँ पर भी वाटर कंजर्वेशन टेक्निक काफी अच्छे से यूज किया गया है और जिससे कि जहां पर वाटर स्केयरसिटी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे थे वो अब वाटर रिच रीजन में बदल चुकी है. तो इट इज बीइंग सजेस्टेड दैट मेनी रूरल एंड एग्रीकल्चरल सिचुएशंस इन आवर कंट्री वी रिक्वायर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. लोगों के बिना पार्टिसिपेशन के कुछ भी नहीं हो सकता है. Watershed land and other water management techniques need to be improved and this is the only thing which by which we can make our country a water rich region. Kyunki future mein jitne bhi countries hain wo sare country going to face the water scarcity problem. To is wajah se hame pehle hi kuch na kuch aise kadam utha ke rakhne padenge jisse ki hamari water richness bani rahe, hamara agriculture bana rahe aur jisse ki hamari jo janta hai wo water ko lekar ke kabhi bhi problem face na kare. तो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट दिस टुडेज लेक्चर. हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हमारी कुछ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में और हम लोग देखेंगे क्या कुछ और वाटर को लेकर के टेक्निक गवर्नमेंट ने लिया हुआ है. इस तरीके से हम लोग अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे. इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लाइमेट वाला चैप्टर देखेंगे. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, ज्वाइन करके अपने डाउट को रेज कर सकते हैं. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.